हाय गाइस, मैं शांतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप MIUI 13 का सिक्योरिटी फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं कोई भी शॉमे डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 13 का अगर आपको सिक्योरिटी आपको इंस्टॉल करना, कुछ नया फीचर्स को अनेबल करना, तो कैसे उसको आप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। तो अगर आप सिक्योरिटी आपको अभी देखिएगा तो आपको नया टाइप का UI और नया एनिमेशन सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली नया फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे सभी को अनेबल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं आपका अपना डिवाइस में, जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वीडियो को एक लाइक तो देना बनता है। तो अगर आप देखो तो आपको नया ऑप्शन या नया फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। मेन जो फीचर है हाईलाइटेड फीचर है, जो कि आपको शट डाउन कन्फर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाय द वे, अगर आपका कभी भी फोन भुला गया होगा तो ये फीचर आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि शट डाउन कन्फर्मेशन है। आपका पैटर्न, पिन या पासवर्ड मांगेगा फ़ोन को शट डाउन करने से पहले, जो कि ये फीचर्स तब आपका काम आएगा। ऐसे आपको ये फीचर काम नहीं आएगा, बट उस टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपका फ़ोन बिना आपका पिन पासवर्ड या पैटर्न के बिना फ़ोन शट डाउन नहीं होगा और आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियसली स्विच ऑफ नहीं होगा तो आपका जो है फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा और मतलब ऑब्वियसली बैटरी खुलता नहीं है तो फ़ोन आपका कोई बंद भी नहीं कर सकता है। तो इंटरेस्टिंग फीचर है ये, आप डायरेक्टली अनेबल कर सकते हैं, बट ये आपका सही से काम नहीं करेगा जब तक आपको ये जो अपडेट है ऑफिशियली आपका डिवाइस में नहीं आया, जैसे कि हमें ये 12.5 या 13 में डायरेक्टली आपको मिल सकता है ये सब फीचर्स। और अर्थक्वेक ये सब का ऑप्शन आपका अनेबल नहीं होने वाला, बट आपका एक और ऑप्शन अनेबल हो जाएगा सिक्योरिटी ऐप से, तो ये आपका सिक्योर कीबोर्ड। चूँकि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी UPI ऐप को यूज़ करें तो आपको पता है कि आपको पिन डालना होता है, जो कि पिन आपका फिक्स्ड रहता है। अभी आपको जो है रैंडम आएगा, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कौन सा पिन यूज़ किए हैं, तो वही आपको पुट करना होगा। अगर आपका कोई देख के चाहता भी होगा तो नहीं यूज़ कर सकता है। और नया UI तो देखने को मिली चार सिक्योरिटी आपको, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको अनेबल करना है तो उसके लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नया अपडेटेड सिक्योरिटी आपका, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको बस फाइल मैनेजर में जाना होगा और आपको देखने को मिल जाएगा APKs में। APKs में जाइए, फिर सिंपली आपको जाना है इंस्टॉल में। इंस्टॉल में जाने के बाद आपको पता है इंस्टॉल होने में 2-3 सेकंड लगेगा, तो तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी ओपन मत कीजिए नेट, आपका डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी आप वो ओपन होगा, उससे आपका ये फीचर अनेबल नहीं होगा ना आपको शो होने वाला है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जाना होगा हिडन फीचर्स निकालने के लिए। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक्टिविटी लॉन्चर, जो कि आपका 1-2 MB का है। उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको सर्च करना होगा सिक्योरिटी ऐप, तो सिक्योरिटी जैसे सर्च कर लीजिएगा तो आपको जो है इतना ज़्यादा सेटिंग्स, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स देखने को मिलने वाला है। उसके पहले आपको जाना होगा, जैसे ओपन कर लीजिए ये सेटिंग्स को, तो उसके बाद आपको सर्च करना होगा PERMCERTER। तो जैसे आप जो स्पेलिंग देखने को मिल रहा हो आपको सिंपली सर्च करना है PERM, फिर उसके बाद सेंटर आपको टाइप करना है। उसके बाद जैसे आप टाइप कीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा com.miui.com, उसके बाद आप जितना ही बड़ा वो आप लास्ट वाला जो है आपको एक्सटेंशन या सब फोल्डर को अनेबल करना या टैप करना, तो उसके बाद आपको जो है आपका नया सिक्योरिटी ऐप ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको शट डाउन कन्फर्मेशन और सिक्योर कीबोर्ड का ऑप्शन जो है अनेबल हो जाएगा और आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप क्रिएट शॉर्टकट करके इसको आप अपना सिक्योरिटी ऐप भी बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बस आप ट्राई कीजिए। तो यही था वीडियो, कैसे आप MIUI 13 का नया सिक्योरिटी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं नया फीचर्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको इंस्टॉल नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आप कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलता हूँ कल। चाहिए 40 की करा दीजिए।